भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी की ओर से अपील की गई है कि पश्चिम बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित किया जाए और उसी के तहत चुनाव करवाए जाएं। बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसे चुनाव होता है तब ही निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकारियों की लिस्ट दी है। पार्टी का दावा है कि अधिकारी टीएमसी कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की मांग है कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता शामिल थे। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार सीधी जंग बीजेपी बनाम टीएमसी होने जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य है कि वो बंगाल में 20 से अधिक लोकसभा सीटें अपने नाम करे और ऐसे में वो काफी अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं जिस पर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सबकी निगाहें हैं। एक हाई पावर डेलीगेशन चुनाव आयोग में आया था जिसमें पार्टी के दो राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी थे। बंगाल के पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय जी थे। बाकी लोग हमारे मेंबर्स थे बीजेपी के वहां के, और हमारे तीन केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, रामन जी और मैं आया था। पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं, और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता, और तो और मुख्यमंत्रियों का हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया।